नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलविंदर और आज के ज्ञान किस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीडी या डीवीडी की किस तरह से आप इमेज बना सकते हो, और फोल्डर बनाना चाहो फोल्डर ही बना सकते हो। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ किस तरह से आप किसी भी सीडी या डीवीडी की आसानी से इमेज बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं शुरू शुरू से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या क्या कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए बेस्ट होगा जो आसानी से आपको इमेज बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा वेब सॉफ्टवेयर है, छोटा सा, यहाँ पर मैंने जो है गिजमो गिजमो डाउनलोड मैंने लिख दिया। तो गिजमो जो है, ये गिजमो की पहली साइड है और पहली साइड में देखिए ये कुछ 8 MB की फाइल्स हैं, तो इसको आपको डाउनलोड करनी है। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड शुरू हो गया है। ये चलिए दोस्तों, देखिए मेरा ये जो गिज़मो का फाइल है ये डाउनलोड हो गया है। अब मुझे बस इसको सेटअप करना है, यानी कि अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है। देखिए दोस्तों, इंस्टॉल करने के कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, तो आपको अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो है गिज़मो इंस्टॉल हो गया है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर देना होता है ताकि आपका ये काम जो है बड़ी आसानी से हो जाए, तो रिस्टार्ट करना ना हुए। तो मैं जो है सिस्टम को रिस्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मेरा सिस्टम तो रिस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है इसको गिज़मो की मदद से किसी भी सीडी या डीवीडी से बड़ी आसानी से आप इमेज बना सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं फिलहाल जो है माय कंप्यूटर में मैं अपना जो है एक सीडी डालने जा रहा हूँ। मैं विंडो XP की इमेज बनाने जा रहा हूँ। तो मैं जो है सीडी मैंने डाल दी है अपने CPU में, और यहाँ पे सीडी की जो है आइकन बन के आ जाएगी। जब ये सीडी कैच कर लेगी तो सिस्टम पे, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक आध बार, जल्दी शो कर लेगा। देखिए दोस्तों, सीडी मेरी जो है शो हो गई है यहाँ पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से, देखिए दोस्तों, ये XP की मेरी पूरी तरह से साइन बन के आ गई, साइन दिखा रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से गिज़मो की मदद से आप इसको इसकी आइकन यानी कि इसकी इमेज बना सकते हो। तो ISO इमेज बनाने के लिए दोस्तों, आपको गिज़मो को खोलना पड़ेगा। ये मैंने जो है गिज़मो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ गया कि आपको बर्न करनी है डिस्क को या क्रिएट करनी है। तो हमें फिलहाल जो है ISO बनानी है, इसकी इमेज बनानी है। तो हमें क्रिएट ISO फ्रॉम डिस्क पे हमें क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए ये आपके पास इस तरह का एक मैसेज आ गया, एक फंक्शन आ गया। यहाँ पर आपकी पूरी CD DVD की जो है जो भी डाले हो यहाँ पर, तो उसकी डिटेल आ जाती है। और ये जो हम सेव कर रहे हैं कि विंडो XP की जो भी कैसेट है, हम उसे उसकी ISO हमें तैयार कर रही हैं। और ये फिलहाल कहाँ पर है, जैसे कि ये देखिए ISO इमेज यानी कि गिज़मो के फाइल के अंदर ये यहाँ पर है। आप चाहो तो इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ, और इस क्रिएट के बटन पे आपको फिर क्लिक करना है। तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह का आपके पास एक रिपेयरिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। इसे थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो देखिए ये इस तरह से आपके पास शो होती है। ये पूरे 100% लेगा दोस्तों। तो तब तक के लिए जो है मैं वीडियो को रोकता हूँ। तो देखिए मेरे जो CD और DVD की जो प्रोसेसिंग है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरह का फंक्शन आपके
सिस्टम पर नज़र आएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि जैसे ही आपकी सीडी बर्न होगी, आईएसओ इसकी इमेज बनेगी, आपकी सीडी ऑटोमेटिक ही जो है आपके सिस्टम से बाहर आ जाएगी। तो देखिए मेरा भी सिस्टम से बाहर आ गए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी इमेज जो है कहाँ मिलेगी आपको। तो दोस्तों उसके लिए आपको देखिए ये माई डॉक्यूमेंट है, माई डॉक्यूमेंट आप इसको ओके कीजिए। माई डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर गिज़मो नाम का फोल्डर है, इस गिज़मो को खोलना है। और उसके बाद देखिए दो ऑप्शन है, इमेज और टूल बार। तो हमें इमेज को फिलहाल खोलना है। इमेज को खोलने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो है सीडी की पूरी इमेज बन के तैयार आ गई है। तो इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमने 28 तारीख को ये बनाया है इतने वक्त में, और ये पूरी डिटेल के साथ जो है इतने KB इसके फाइल हैं। तो आप इसको आप चाहो तो सिस्टम में अभी भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपने किस तरह से कि आज हमने ISO फाइल हमने तैयार किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।